नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवि शर्मा में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है हर वर्ष, इसमें इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशली ये एग्ज़ाम होता है। इसमें मित्रों, हाई स्कूल की परीक्षा के पर्पज़ से आज मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है। इसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या नहीं आता है, वो आप लोगों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये है कि मेरा जो छोटा सा प्रयास है, आप लोग जानते हैं कि मैं एक शिक्षक के रूप में लगभग 7 से 8 वर्षों से कार्यरत हूँ, और वर्चुअल रूप से अगर कहा जाए तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जिस प्रकार से आज मैं शूट कर रहा हूँ। हालांकि अब एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, लगभग 24 मार्च से, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा 24 मार्च से स्टार्ट हो रही है, जिसमें मित्रों हिंदी विषय का पेपर सबसे पहले रखा गया है। इसमें कुल 70 अंक निर्धारित हैं, जो इसमें जो +30 मार्क्स होते हैं वो पूरे के पूरे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का अर्थ ये है कि ये विद्यालय स्तर पर दिए जाने वाले मार्क्स हैं, लेकिन ये जो 70 नंबर के अंक हैं, ये पूरे के पूरे एग्जाम होते हैं, इसके लिखित परीक्षा होती है। उसी बेसिस पर बच्चे जितना भी मार्क्स इसमें गेन कर पाते हैं, उसी हिसाब से उनका मार्क उसमें काउंट हो जाता है। तो आज हिंदी का मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इसमें हाई स्कूल के बच्चे पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में, खासकर हाई स्कूल के बच्चे पहली बार बैठे हैं। जो बच्चे इंटर के हैं वो लोग हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हैं। किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, उनको सब पता है। किस तरह के वहाँ पे इन्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप लिखने के लिए 1-2 पेन एक्स्ट्रा ही ले जाइए, हर हाल में ले जाइए। अगर साइंस का पेपर है उसमें आप जो है पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब जितने भी आपको इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, इन सारे इक्विपमेंट्स को आप साथ में ले जाएं, साथ में पैड ले जाएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, गेट पर आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आईडी के रूप में या पहचान पत्र के रूप में, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड हो, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हिंदी के मॉडल पेपर में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको पता है कि 3 घंटा 15 मिनट का ये पेपर होता है। हालांकि पहले ये 3 घंटे का ही होता था, लेकिन 2012 से इसमें संशोधन हुआ और 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा दिया जाने लगा। और वो इसलिए दिया जाने लगा जिससे बच्चों को 15 मिनट का जो समय है वो कॉपी लिखने और पेपर को पढ़ने में दिया जा सके। इससे क्या होगा कि उनका जो 3 घंटा होगा वो पूरा का पूरा वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम में लगा सकेंगे, बाकी पेपर रीडिंग वाले जो प्रक्रम होते हैं वो सारे इसी 15 मिनट्स में फिनिश हो जाते हैं। तो आपको पता है कि पेपर का पहला पैटर्न यही होगा कि नोट लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ये निश्चित रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होना है। इसमें प्रश्नों की संख्या शुरुआत होती है 1 नंबर वाले क्वेश्चन से, जो 1 by 1 होते हैं। जैसे इसमें दिया है मॉडल पेपर में कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान करके लिखिए, यानी एक तरह से कहा जाए कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। लगभग इसके पांच पांच प्रश्न आएंगे और इन्हीं 5 प्रश्नों का आपको 5 अंक निर्धारित हैं, प्रति प्रश्न एक एक अंक निर्धारित है। एक प्रश्न का 4 ऑप्शन होगा, उन 4 ऑप्शंस में से जो सही रहेगा उसी को आपको लिखना रहेगा। इसके साथ साथ प्रश्न संख्या 2 जो आएगी उसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, जिसमें कवियों का नाम जैसे पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा गया है मॉडल पेपर में कि रीति मुक्ति धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो इस तरह से, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आ जाएगा, इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे किसी रचना का नाम पूछ लिया जाएगा या किसी कवि का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि भाई इनकी कोई 2-4 कविताएं, 2-4 रचनाएं बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ छायावाद, गद्य गद्यकालीन, मध्यकालीन, इन सब तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो शुक्लोत्तर युग का हो, छायावाद युग का हो,
या फिर जो है द्विवेदी युग का हो, इन सभी युगों के कवियों का नाम पूछा जा सकता है इस प्रकार से। साथ ही साथ तीसरा जो क्वेश्चन टाइप में होगा वो ये पूछ लेगा आपसे, दूसरे क्वेश्चन में तीसरा वाला क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि चलिए बताइए कि किसी एक रचना का नाम दे देगा, बताएगा बता दीजिए कि इसका जो है कवि का नाम क्या होना चाहिए। इसके बाद जो आपका प्रश्न संख्या 3 होगा ये लगभग आपका 6 अंकों का आएगा, और ये 6 अंकों का पेपर जो होना है इसमें ये दिया देगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी नीचे एक गद्यांश दिया रहेगा और उसी गद्यांश को आपको पढ़ना रहेगा और उसके साथ साथ उसमें 3 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उसी गद्यांश में जो गद्यांश लिखा रहेगा उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और उन्हीं गद्यांशों को पढ़ करके ही आपको उसका आंसर देना रहेगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न आता है ये चौथा प्रश्न भी आपका लगभग 6 अंकों का होगा, ये निश्चित है कि 6 अंक का आएगा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है और ये 100% आता है। क्वेश्चंस क्या आएंगे ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये आपके 6 नंबर के होंगे। इसमें दो तरह के पद्यांश को लेकर के दे देगा, का और खा करके, या का देगा तो अथवा करके कुछ और दे सकता है, मतलब दो क्वेश्चन उसमें पूछ लेगा जिसमें से एक का आंसर आपको देना रहेगा। इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और उसका काव्यगत सौंदर्य लिखना है। अब काव्यगत सौंदर्य क्या है, काव्यगत सौंदर्य का तात्पर्य सिर्फ इतने से है कि जो भी पद्यांश आप पढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार के रस का उपयोग हुआ है, किस प्रकार कौन कौन सा छंद का इस्तेमाल हुआ, कौन सा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, ये आपको पद्यांश में लिखना होता है काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको लेखक का जीवन परिचय पूछेगा, आपको दो तीन ऑप्शन देगा, दो तीन चार का ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, है ना, इन तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है और किसी एक रचना का उल्लेख कर देना है, बस इतना ही इसमें करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। दूसरा वाला जो ख ऑप्शन होगा उसमें दे रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब वो रचना को आप वर्णित तो करना ही करना है, साथ में साथ जितने कवियों का नाम देगा, लगभग दो तीन चार कवियों का ऑप्शन में देगा, जैसे मैथिली शरण गुप्त हुआ, महादेवी वर्मा हुई, सूरदास हुए, ये सभी कवि हैं, इन सभी कवियों का आपको जीवन परिचय देना है। उधर जो गद्यकार थे, गद्यकारों में जैसे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, ये सब लेखक हैं, इन सबका जो आपने जीवन परिचय दिया वो तो दिया ही, साथ ही साथ काव्य में भी, वो तो गद्य के थे, काव्य में भी आपको तीन चार ऑप्शन देगा कवियों का और उन्हीं पर आपको उनका जीवन परिचय देना रहेगा, ये आपके 3-3 अंकों के होंगे। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी अनिवार्य संस्कृत के पार्ट में से 4 अंकों का आपको संस्कृत का एक लाइन आएगा, एक दो लाइन जो भी आएगा कथनात्मक रूप में आएगा, उसका आपको संदर्भ भी लिखना होगा कि ये किस विषय, क्या क्या नाम है, किस अध्याय से लिया गया है या इसके रचयिता कौन है, ये सब आपको लिखना होगा, साथ ही साथ इसका हिंदी में अनुवाद भी करना होगा। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 7 होगा उसमें यही कहा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये भी आपका पूरा का पूरा 2 अंक का होगा। साथ ही साथ उसी में जो ये तो का था, खा वाले ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। अब देखिए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखने का मतलब क्या है कि अनिवार्य संस्कृत में से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और ये सब जो है एक एक अंक के होंगे। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 8 कहता है, प्रश्न संख्या 8 में 3 सेक्शन करके दिया है, क ख और ग करके। इसमें क में आपसे रस पूछा जाएगा, चाहे करुण रस पूछ ले, हास्य रस पूछ ले, श्रृंगार रस पूछ ले, उसका आपको अस्थाई भाव लिखना रहेगा और परिभाषा भी बतानी रहेगी, ये 2 अंकों का होगा। साथ ही साथ अलंकार भी आपसे पूछेगा, चाहे वो यमक अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, इन सभी की आपको परिभाषा भी लिखनी है और साथ ही साथ इसका उदाहरण भी आपको देना होगा, ये भी आपके 2 अंकों का परीक्षा होगा। इसके साथ साथ आपको सोरठा अथवा रोला, ये सब इस प्रकार के छंद आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनकी आपको परिभाषा भी देनी है और साथ साथ इनके उदाहरण भी देने हैं।
साथ ही साथ अब हिंदी में व्याकरण सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उपसर्ग भी पूछा जाएगा, प्रत्यय भी पूछा जाएगा और समास विग्रह भी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ तत्सम शब्दों के बारे में भी, तत्सम रूप के बारे में भी वर्णन होगा, ये भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब 2-2 अंकों के होंगे। 2-2 पर्यायवाची भी लिखने के लिए किसी भी विषय से, किसी भी शब्द से आ सकता है। साथ ही साथ संधि विच्छेद 2-2 नंबर का आएगा और विभक्तियां भी 2-2 नंबर की आएंगी, जो विभक्ति और वचन होता है ये भी 2-2 नंबर का आएगा। साथ ही साथ धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख भी आपका 2-2 नंबर का आएगा। इसके साथ साथ हिंदी का कुछ जो है 2-3 लाइन दे देगा, उसमें आपसे संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी कहेगा, ये भी आपका 2-2 नंबर का आएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा कि आपके हिंदी के पेपर में निबंध भी आता है और ये निबंध 6 अंकों का होता है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज और कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस का भी इस समय चर्चा में, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 12 कहता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये सब जो है ढेर सारा ऑप्शन आपको देगा, उसी एक ऑप्शन में से आपको लिखना रहेगा। चाहे आप मुक्तिदूत के बारे में लिखें, हालांकि आप जितने भी लोग हैं इधर सिद्धार्थनगर साइड के या बस्ती साइड के, इन सभी लोगों को मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर ही गांधी जी के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना रहता है, ये आपको जो है लिखाया गया होगा, बताया गया होगा, इसको आप लोग लिखेंगे। और इस पर जो निर्धारित अंक हैं वो 3 हैं। इस आधार पर आपको पेपर देना है। पेपर बहुत ईजी आएगा, पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा। जितना भी आप सिलेबस में पढ़े हैं उतना ही आना है, इसलिए आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, पेपर आप लोग आराम से दीजिए। टोटल 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर आपका अंतरिम मूल्यांकन के द्वारा आता है। तो आप टारगेट रखिए कि 70 में मेरा 65+ जो भी आ जाए, यानी 65+ का लक्ष्य जब आप बना के चलेंगे, जितना भी आप पढ़े हैं उसका रिविजन करेंगे, तो अगर ये 65 और ये 30 अगर आपका जुड़ जाता है तो आपका जो है 90+, यानी 95+ भी आपके मार्क्स गेन हो जाते हैं। तो लक्ष्य यही रहे कि हमको 65+ ही लाने हैं। साथ ही साथ आज हिंदी का मैंने जो आपको मॉडल पेपर समझाया है कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को धीरे धीरे स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको उसकी गहराई भी समझ में आएगी कि किस किस तरह के पैटर्न जो है आपको दिए गए हैं, कौन कौन सा पैटर्न आपको पूछा जाएगा, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार का प्रश्न आता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विद्यार्थियों के मन में घुसती रहती हैं और ये उनके लिए समस्या का भी विषय बन जाता है जब उनकी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं उस पर बहुत विशेष ध्यान आपको नहीं देना है कि पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना है, बस आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि मॉडल क्या है, किस प्रकार का पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना है। बाकी आपने जो भी साल भर पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड सब कुछ आना है, उसमें कहीं से भी कुछ अलग नहीं आएगा। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो उससे पहले, घर से निकलने से पहले आप अपने पास मास्क रखें, हैंड सैनिटाइजर रखें, एडमिट कार्ड ले लें और साथ ही साथ एक पहचान पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, आधार कार्ड आप अपने पास रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपके पास जो लिखने के जो इक्विपमेंट हैं, पेन पेंसिल रबर कटर जो भी आपके पास है जो जिसकी भी ज़रूरत आपको पड़ती है उसको आप ज़रूर लेके जाएं, पैड भी साथ में रखें, है ना, और कोविड गाइडलाइन का पालन करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने आपका बेल आइकन दिखेगा और उस बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जो भी नया नोटिफिकेशन आपको, जो भी नया वीडियो आएगा उस पर जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये आज का टॉपिक हिंदी के प्रति था कि हिंदी में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस विषय को लेकर के मैंने आज थोड़ा सा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का, लेकिन ये है कि इस पर आगे भी विस्तृत चर्चा होगी। अभी आज हिंदी का बना है, उसके बाद मैं मॉडल पेपर देखूंगा कि अगला पेपर क्या है। अगर हिंदी से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आपको होगी तो आप हम कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिएगा, जो भी समस्या होगी उसको हम समाधान कराएंगे। हम आपको टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उसके माध्यम से हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे।
इस बेसिस पर आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।